पाकिस्तान पहला वनडे मैच क्यों हारा, वजह पकड़ी गई है। अगर आप भी इस वजह को जानेंगे तो आप भी बोल उठेंगे कि वाकई में पाकिस्तान के हारने की बड़ी वजह यही है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी बात करना इम्पोर्टेंट है कि बाबर आजम को दुनिया का नंबर वन बैट्समैन मानते हैं। हमने बाबर आजम को सर पर चढ़ाया हुआ है। अब विकेट थोड़ी सी मुश्किल आई थी, गेंद थोड़ा सा हिला था तो बाबर रिजवान इनका खाना खराब हो गया। जब फ्लैट विकेट होती है ना, गेंद सीधा सीधा आता है, तब ये टुक टुक करके सिंगल डबल्स करके थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। आज मुश्किल मरहला था लेकिन ये दोनों नाकाम हो गए। ऐसे ही यूनुस खान बैटिंग किया करते थे वनडे क्रिकेट में। यूनुस खान को हमने जितनी वनडे क्रिकेट खिलाई है ना, उतनी खिलाना बनती नहीं थी। यूनुस खान टेस्ट के बेहतरीन बैट्समैन थे लेकिन वनडे क्रिकेट में जब भी मुश्किल मरहला आता था ना, विकेट मुश्किल होती थी, तो यूनुस खान के पसीने छूट जाते थे। 2007 के वर्ल्ड कप की मिसाल आपके सामने है। हमेशा से पाकिस्तानी बैट्समैन को बाहर जाके जहाँ पे गेंद हिले मुश्किलात का सामना रहता है, तो बाबर का भी वही इशू रहा। तो हमें बाबर को बहुत ऊंचा नहीं चढ़ाना चाहिए। अब पाकिस्तान के हारने की सबसे बड़ी वजह क्या है? पाकिस्तान के हारने की सबसे बड़ी वजह यही कि गेंद का थोड़ा हिलना है, कंडीशंस का थोड़ा सख्त होना है। जहाँ पे गेंद हिलेगा वहीं पे मुश्किलात आएंगी। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज़।